जय हिंद दोस्तों, मैं एमकेएस। दोस्तों स्वागत है आपका सिलेक्शन अड्डा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीएस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं आपके लिए मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगा। और जिसमें क्या होगा दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो टोटल क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना जीएस का प्रैक्टिस सेट वन। यह हमारी है मिडिवल हिस्ट्री, जैसे मिडिवल हिस्ट्री को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है कि अरवों के किस नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया गया था। तो आज जो अरब थे, अरबवासियों जो थे, वो उनके नेतृत्व में पहला सफल आक्रमण किसका रहा। तो दोस्तों सबसे पहले 711 ईस्वी में कौन आया था, अबू दहल आया था। 711 ईस्वी में दोस्तों कौन आया था, अबू दहल आया था, जिसका असफल आक्रमण रहा। और 711 ईस्वी में ही कौन आया था, अबू दहल आया था, जिसका भी असफल आक्रमण रहा। फिर उसके बाद दोस्तों 712 ईस्वी में कौन आया था, मोहम्मद बिन कासिम, जिसका सफल आक्रमण रहा 712 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो है मोहम्मद बिन कासिम। जैसे कि दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि अरबों ने सिंध पर आक्रमण कब विजय प्राप्त की, यानी कि अरबों ने जो भारत पर आक्रमण किया था, वो किया था सिंध पर, सिंध क्षेत्र पर किया था। तो सिंध क्षेत्र पर विजय प्राप्त कब की थी। तो दोस्तों मैंने अभी आपके लिए बताया था कि 711 ईस्वी में तो हमारे किसने, अबुदुल्ला आया था, जिसका असफल रहा आक्रमण। उसके बाद 711 ईस्वी में ही कौन आया था, वुदेल आया था, उसका भी असफल रहा। 712 ईस्वी में जो आया था दोस्तों, वो आया था मोहम्मद बिन कासिम, जिसका सफल आक्रमण रहा सिंध क्षेत्र पर। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था। तो अरब आक्रमण के समय हमारा सिंध पर शासन जो था वो किसका था, दाहिर का था। किसका, दाहिर का। जैसे कि दोस्तों जब अरब वासियों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण उन्होंने सिंध क्षेत्र पर किया था। तो जो सिंध क्षेत्र के उस समय जो सिंध क्षेत्र का शासक था वो कौन था, दाहिर, जिसे खैवर दर्रे से लाया गया था। और इसकी दो बेटी थी, कौन, सूर्यमल और परिमला। ठीक है दोस्तों, जैसे ही दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। अब बढ़ते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दोस्तों वो है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो जो महमूद गजनवी था उसने कितनी बार आक्रमण किया था, तो महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार, 17 बार। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारा वो है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा। तो महमूद गजनवी का जो पहला आक्रमण था वो कब था, 1401 ईस्वी में। और उसका जो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा। महमूद गजनवी का जो लास्ट आक्रमण था वो था 1028 ईस्वी में, वो भी जाटों के विरुद्ध। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया था। यानी कि जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया 1001 ईस्वी में, तो उस समय उसने किस शासक को हराया था। तो उस समय उसने जयपाल को हराया था। ठीक है दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सात देखते हैं कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर में किसने आक्रमण किया था। तो अभी मैंने बताया था कि गुजरात जो सोमनाथ मंदिर था वो कहाँ था, गुजरात में स्थित था। गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था वो किसने किया था, महमूद गजनवी ने किया था। ठीक, जो मैंने अभी आपके लिए बताया था।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। जैसे कि दोस्तों क्या है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और उसे क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। उसके बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण जो कराया था वो किसने कराया, भीमदेव ने कराया। किसने कराया, भीमदेव ने कराया। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 9, भारत पर आक्रमण करने वाले सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणी थे, गजनवी थे, गौर के, अरब के, या ये सभी। तो दोस्तों मैंने अभी आपके लिए बताया था कि 710 और 711 ईस्वी में अब्दुल्ला ने किया था, 711 ईस्वी में ही बुदेल आया था, उन दोनों का कह रहा असफल आक्रमण रहा। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आया जिसका कह रहा सफल आक्रमण रहा। तो 712 ईस्वी में और जो मोहम्मद बिन कासिम आया था वो कहाँ से आया था, अरब से आया था। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा अरब सी, क्योंकि दोस्तों अरब वासियों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10, अरब जनरल ने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की जो खलीफा के डोमेन का एक हिस्सा बन गया, कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक तो वही तब आएगा ना जब गुलाब वंश होगा, जब गुलाम वंश होगा, मुलुक वंश होगा, इलवरी वंश। इलवरी वैसे एक जाति थी। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गौरी। तो यहाँ दोस्तों 711 नहीं होगा, यहाँ 712 होगा, क्योंकि 711 में तो अबिदुल्ला आया था और बुदेल आया था, और 712 ईस्वी में दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था, उस पर सिंध पर विजय प्राप्त करी थी और खलीफा के तो इनका एक हिस्सा बना। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 11, तो 11 क्वेश्चन नंबर हमारा है, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था। तो भाई महमूद तो भाई गजनी का ही शासक होगा ना, महमूद जो था वो कहाँ का था, गजनी का शासक था। इसी के साथ हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, चंगेज खान का मूल नाम क्या था। तो भाई चंगेज खान का एक मंगोल साम्राज्य में एक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसने मंगोल साम्राज्य को विस्तृत करने के लिए बहुत ही बड़ा योगदान रहा उसमें चंगेज खान का। चंगेज खान का जो मूल नाम था वो क्या था, तेमुचिन। क्या था, तेमुचिन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, सी, यानी कि तेमुचिन। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच दो बार युद्ध हुआ, जिसमें दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था, तराइन में हुआ था। जाहिर सी बात है, अगर युद्ध तराइन में हो रहा है तो भाई तराइन को ही तो कब्जा करेगा वो, कन्नौज पर थोड़ी ना कर लेगा। अरे भाई कन्नौज पर थोड़ी ना कर लेगा, पानीपत पर थोड़ी ना कर लेगा, तराइन में युद्ध हो रहा है तो तराइन में ही करेगा ना। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, डी, तराइन। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है हमारा, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि तराइन का जो युद्ध था मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। अकबर तथा हेमू के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, पानीपत का सेकेंड युद्ध हुआ था, जिसमें पानीपत का सेकेंड युद्ध हुआ था इनके बीच में, अकबर तथा हेमू के बीच। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की लड़ाई लड़ी गई थी। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की जो लड़ाई लड़ी गई थी वो कहाँ लड़ी गई थी भाई। अभी पिछले क्वेश्चन मैंने आपके लिए बताया था कि कहाँ, तराइन में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान। अब बढ़ते हैं अपने दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16, दास वंश की स्थापना किसने की थी। दास वंश को हम क्या है दोस्तों, दास वंश को गुलाम वंश, गुलाम वंश, ममलूक वंश, इलवरी जाति भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। किसने करी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रजिया सुल्तान जो थी वो किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की। गयासुद्दीन बलबन कब आएगा,
इससे अभी तो भाई क्या चल रहा है, गुलाम वंश चल रहा है। गुलाम वंश के बाद क्या आएगा, खिलजी वंश आएगा। खिलजी वंश के बाद क्या आएगा, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि जो हमारे दिल्ली संस्थान पर 5 वंश हुए थे उनको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा अभी। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है। तो दिल्ली सल्तनत का सही क्रम जो होगा दोस्तों वो मैं अभी आपके लिए बताता हूं। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। गुलाम, लोधी, खिलजी, तुगलक, तुगलक, खिलजी, गुलाम, लोधी। तो देखिए दोस्तों, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है जिसे याद हम कर सकते हैं, जैसे कि जी के तो सरल है। ठीक, जी से क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, गुलाम वंश। के से क्या हो जाएगा हमारा, खिलजी वंश। के से क्या हो जाएगा, खिलजी वंश। टी से क्या हो जाएगा, तुगलक वंश। एस से क्या हो जाएगा, सैयद वंश। ऐसे क्या हो जाएगा, सैयद वंश। और एल से क्या हो जाएगा हमारा, लोधी वंश। एल से क्या हो जाएगा, लोधी वंश। ठीक है दोस्तों, तो आप हम इस ट्रिक के अनुसार देखते हैं कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, यहां देखो सैयद वंश नहीं दे रखा है, और सैयद वंश इस क्वेश्चन में ही नहीं दे रखा है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा भाई, बी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। यानी कि जी के तो सा मतलब सैयद वंश इसमें कोई सी भी नहीं दे रखा है, तो हम इसे हटा देंगे, तो सरल है, ला मतलब लोधी वंश। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहां शासन किया था। किसने, गयासुद्दीन बलबन ने। तो गयासुद्दीन बलबन ने कब किया था भाई, गयासुद्दीन बलबन ने किया था 1266 से 1287 ईस्वी में। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी। ठीक है भाई, गयासुद्दीन बलबन ने कब किया था शासक, कब किया था भाई, 1266 से 1287 ईस्वी में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 19, जिसमें क्या है, अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद यानी कि मिन मकाला किस भाषा में लिखी थी। तो भाई किस भाषा में लिखी थी, अरबी में, इस अरबी किसमें लिखी थी, अरबी में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है दोस्तों, इससे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी। चौगान बोले तो क्या, पोलो, जैसे क्या करते हैं, पोलो क्या होता है, घोड़े पे बैठ के, जैसे कि हॉकी होती है, हॉकी उसे हॉकी से हम क्या खेलते हैं, जमीन पे ऐसे खेलते हैं, लेकिन चौगान को हम घोड़े पे बैठ के खेलते हैं, जैसे कि घोड़े पे दौड़ा दौड़ा के लोग उसमें खेलते हैं। तो ऐसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक क्या खेल रहा था, चौगान खेल रहा था, तो उस समय इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपके लिए वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।